सबसे पहले आने वाले भाइयों बहनों को जय माता की, जय श्री राम। और जो अन्य भाई आए हैं उन्हें सत श्री अकाल। बाकी सबका खैर मकदम करते हुए जनाब आदाब, आप पूछेंगे कि मैं कौन। पहले नाटकों की कहानी बताने के लिए एक नटाता था और एक नटेरी। कौशिक जी ने उन्हें हटा दिया और मुझे बना दिया। मेरा नाम रखा सूत्रा, यानी सूत्रों को जोड़ने वाला। शक्ति एक रूप अनेक, सर्वशक्ति महाशक्ति विशेष। एक बार प्रभु शंकर वैरागी हो गए थे और माँ पार्वती हवन कुंड में कूद कर सती हो गई थी। वीरभद्र ने दक्ष का शीश काट दिया था। भगवान शंकर माता के मृत शरीर को लेकर दौड़ रहे थे, तभी भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चला और माता के अंग कट कट कर गिरने लगे, कट कट कर गिरने लगे। केश गिरे कलकत्ते जाकर, केश गिरे कलकत्ते जाकर, मनी का निकाब काली। केश गिरे कलकत्ते जाकर तो मनी का निकाब काली। ब्रह्मपुत्र आसाम गिरा मुख, ब्रह्मपुत्र आसाम गिरा मुख, भई कुमा क्या वाली। मस्तक से मंशा देवी, चिचड़िया से बनी ज्वालामुखी, चिचड़िया से बनी ज्वालामुखी, चिचित पूर्णी चरणों से, माँ चिचित पूर्णी चरणों से। स्तन गिरे कांगड़े जाकर, स्तन गिरे कांगड़े जाकर, तो ब्रजेश्वरी माँ कहलाई। स्तन गिरे कांगड़े जाकर तो ब्रजेश्वरी माँ कहलाई। बाजू गिरे जहाँ सती माँ वैष्णवी माँ बने, सती माँ वैष्णवी माँ बने आई, सती माँ वैष्णवी माँ बने आई। ये शक्ति है कौन हम बताते हैं। असुरों का अत्याचार, असुरों का अत्याचार बड़ा, तो देवताओं ने करी गुहार, सभी देवताओं ने करी गुहार, सभी देवों ने अपने अपने शस्त्र दिए, सभी देवों ने अपने अपने शस्त्र दिए। एक ज्योति कुंज प्रगटा, एक ज्योति कुंज प्रगटा और नारी के रूप में बदल गया। आपको हम एक कहानी दिखाने जा रहे हैं माता रानी की। माता के नौ नाम, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और वैष्णवी। आज हम आपको माँ वैष्णवी की कहानी दिखाने जा रहे हैं। कटरा से 7 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव जिसका नाम था हंसारी, उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था, एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था पंडित श्रीधर और माता का बहुत बड़ा भक्त था। सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, बस एक ही नाम जपा करता, एक ही नाम जपा करता, एक ही नाम जपा करता। क्या कहता पंडित श्रीधर, क्या कहता, क्या बोलता? जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की, मैया जय माता की, जय माता की, मैया जय माता की।
करा दो, मैं तो तबीयत करा दे रहूँगी।
किया। जब मैं आगे गया तो मुझे सरदार बलवंत सिंह मिल गए। कहने लगे खेतों में गेहूं बहुत बढ़िया हुआ है, अब की बहुत बढ़िया फसल हुई है, खेतों में फसल बहुत बढ़िया हुई है पंडित जी, कुछ पूजा वगैरह करानी है। लाला सुखबीर सिंह कहने लगे, पंडित जी बहुत दिनों बाद मिले हो बड़ी मुश्किल से, पर पंडित जी मेरे बेटे की शादी की बात चल रही है, लड़का मंगली है, जरा जन्म पत्री वगैरह मिलवा दो, लड़की नहीं मिल रही, कुछ जोड़ तोड़ करके मेरे बेटे का ब्याह करवा दो, जन्म पत्री वगैरह मिलवा दो। अरे भाई पंडतानी, जिसका काम उसी को साजे। अरे मैं तो मर गई पानी रोते रोते। आए हाय मेरी पंडतानी, गुस्सा ना किया कर, गुस्सा ना किया कर माधुरी। अरे जब भी गुस्सा आया करे है? जब भी गुस्सा आया करे तुम मुझे बोला कर, जय माता की 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 बोला कर। तेरा बाप चिराग लेके लाल तेल लेके भी ढूंढता ना, तो मुझ जैसा ककुर चतवा ना मिलता। ठीक है बाबा, ठीक है बाबा। है क्या कह रही बाबा, ये क्या कह रही है बाबा? बाबा अभी तो मेरे बाल भी चिट्टे नहीं हुए, बाल भी सफेद नहीं हुए। अच्छा बाबा, नहीं कह लेंगी बाबा। है? बोल भी रही है, बोल भी रही है, अगर पड़ोसियों ने सुन लिया तो क्या कहेंगे पंडतानी? पड़ोसियों ने सुन लिया तो क्या कहेंगे कि पंडित की पंडतानी उन्हें बाबा कहती है? अरे बड़का जी कुछ तो शर्म कर ले, कुछ तो शर्म कर ले। अरे क्या शर्म करूं, क्या शर्म करूं, मेरे तो कर्म भूल गए। क्या मिला मुझे तुम्हारे घर में आके, मैं तो कर्म भूल गए, कुछ क्या मिला मुझे है? और क्या नहीं मिला, बोल क्या नहीं मिला? अरे पूरे 12 साल हो गए मेरी शादी को, पूरे 12 साल हो गए मेरे विवाह को, चूहे का बच्चा तक तो देखा नहीं। अरे जा जा जा, उनसे पूछ जिनके घर में बच्चों की लाइन लगी हुई है। कोई सुबह उठ के करता है कोई करता है, वो जब अपना झगड़ा आ जाए ना, जब उनके घर के बच्चे घर से निकलते हैं ना, तो ऐसा लगता है मानो स्कूल की छुट्टी हो गई हो। सुन माधुरी ये बातें छोड़ और एक काम कर ले, हाँ जरा खाना वाना बना ले। खाना घर में नहीं है दादी, और माँ चली बुनाने। अरे भाई ऐसा है, जब मैं जब मैं गांव में आया ना, तो मुझे सरदार बलवंत सिंह ने कहा कि पंडित जी अब की फसल बहुत बढ़िया हुई है, थोड़े आलू गोभी लेते जाओ। और भरामा देवी ने एक लोटा घी दे दिया, और लाला सुखबीर सिंह ने एक कट्टा आटा दे दिया। हाँ ऐसा करवा दूंगी,
आलू गोभी की तो सब्जी बना ले है? और कचौरी बना ले पुट्ठी वाली, और हलवा बना ले जिसमें घी डाला हुआ हो और सन्नाटे रायता। क्या बात है, क्या बात है, आज पंडित जी की जुबान बड़ी लपट्टी मार रही है। अरे मेरा नहीं, मेरे मेहमान आने वाले हैं भाई। हाँ हाँ, चल जल्दी से चूल्हा जला ले, चल जल्दी से चूल्हा जला। अरे घर में लकड़ी नहीं है। अरे तो चिंता मत कर, मैं जंगल से लकड़ी काट लाया था। आए, आए, इनके लिए लकड़ी को कैसे जलाऊंगी मैं? अरे जला जला। हाँ ठीक है ठीक है, ये लो ये लो, बहुत प्यारी बिटिया रानी है। बेटी बड़ी हंस हंस के बोल रही,
आए हाय बेटी नाम बता क्या नाम है मेरा नाम संध्या है वाह भाई वाह ए उषा और ए संध्या और भाई जय हो तुम भी खड़े हो जाओ बिटिया रानी वाह भाई वाह भाई ठंड हो रही है बिल्कुल काली बिंदी लगा के आई है नजर ना लग जाए है वाह भाई वाह ठंड लग रही बेटी हाँ अरे वो क्यों भीज रही नाम नहीं बता देगी बताऊंगी हाँ तो बता बेटी हाँ क्या नाम है मेरा नाम सीता है वाह भाई वाह जय हो सीता रानी क्या बात है जय हो खाओ बेटी भी प्यारा नहीं खाओ और भाई आहा हा भाई बड़ी सुंदर वस्त्र पहन के आई है भाई वाह 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 रुमाल बांध के आई है बेटी क्या नाम है तेरा बाबा नाम तो मैं बता दूंगी पहले ये बताओ तुम्हारी मुझी असली है कि नकली है भाई मेरी मुच्छों की बात छोड़ बेटी तू अपना नाम बता अजय क्या पूछ रही है बच्ची क्या पूछ रही है अरे तेरे मतलब की बात नहीं है तू अपना काम कर मौसी मैं पूछ रही हूँ बाबा की मुच्छी असली है या नकली आए हाय देख लो पंडित जी बच्चों को भी तुम्हारी मुच्छी अच्छी नहीं लगती कितनी बार कहा ये मुच्छी कटवा लो पागल हो गई तू पागल हो गई अरे भाई जिसके मुँह ना हो वो आदमी कैसा आदमी हाँ बात बना रही मुँह कटवा लो मुँह कटवा लो ये बेटी मेरी मुच्छों को पीछे छोड़ तू अपना नाम बता करो और भाई आहा ये तो बड़े सुंदर बाल बनाकर आई है आई हाय बुखे तेरा आहा देख माधुरी देख आहा हा भाई देख बड़े सुंदर बाल बना के आई है हैं ए बेटी इन बालों को क्या कहते हैं इन्हें पोनीटेल कहते हैं अरे वाह माधुरी तू भी कभी पोनीटेल बना लिया करे बेटी क्या नाम है तेरा क्या नाम है बाबा नाम तो मैं अपना बताऊंगी पर बाबा मैंने अपनी पुस्तक में तुम्हारा चित्र देखा पर बेटी मैंने तो कभी अपना कोई चित्र नहीं बनवाया बाबा मेरी अध्यापिका ने बताया बच्चों इस प्राणी को तुम देख रहे हो जो डाल पकड़ कर लटका हुआ है इस प्राणी को बंदर कहती है सबके सामने मुझे बस डर कह रही है मैं थोड़ा कह रही हूँ मुझे बच्ची कह रही है हाँ तू बता दे फाड़ रही है मुझे भाई है मुझसे क्यों लड़ रहे हो उस बच्ची से उसका नाम पूछो ठीक है हे बिटिया बिटिया अब तो बंदर की बात तो होगी बेटी अब तो अपना नाम बता दे बाबा मेरा नाम लक्ष्मी है सही कह रही है लक्ष्मी बिटिया जिसके पास ज्यादा आ जाती है वो भी बंदर की तरह कूदता रहता है और जिसके पास से चली जाती है वो भी बंदर की तरह कूदता रहता है वहाँ मेरी लक्ष्मी बिटिया जय हो बैठो आहा भोजन करो आहा और भाई भाई वाह भाई वाह और बिटिया रानी क्या नाम है तेरा बड़ी चूड़िया पहन के आई है दिखाई तेरा अपना हाथ आये हाय मेरी माँ ने ना मेले से लाई थी मेरे लिए हरी हरी चूड़िया अरे वाह भाई बड़ी सुंदर चूड़िया पहन के आई है आहा हा हा क्या नाम है बेटी क्या नाम है मामा मेरा नाम छोनू है वाह भाई सोनू बिटिया हरी चूड़ी वाली सोनू बिटिया वाह भाई जय हो बैठो बिटिया रानी भोजन करो और भाई श्वेत वस्त्रों में वाह भाई वाह तू भी पहन के आई
भाई एक ही मेले से लाई क्या तुम्हें चूड़ी का? आये हाय हाय वाह भाई वाह, बड़ी सुंदर लग रही है भाई, है सफेद सफेद चूड़ी पहन के आई आप चूड़िया रानी बेटी? ए हाँ, कहाँ को देख के हंस रही? माँ दिखाई दे रही क्या सामने बैठी हुई? अच्छा समझ गया, क्या हंस रही होगी? हाँ बेटी, क्या नाम है तेरा? पापा, पापा मेरा नाम, मेरा नाम श्वेता है। वाह भाई श्वेता बेटी, आ जाए हो जाए हो। और भाई हाँ बैठो जी, और हाँ पापा, पापा मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम नीता है। वाह भाई नीता बेटी, आ जाए हो जाए हो। और भाई ये बड़ा हंस रही है, हाँ क्या बात है भाई? अरे इधर को आए हैं पापा, मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम कुमकुम है। वाह भाई कुमकुम बिटिया। और भाई ये तो किसी खाट पे फिटते घर की नजर आ रही है, ये तो किसी खाट पे फिटते घर की नजर आ रही है। हाँ बेटी अपना नाम तो बता। पापा नाम तो बता दूंगी, मेरे कुछ खाने को तो दो ना, खाने को दो। ए माधुरी बच्चे को भोजन दे। अभी लाई जी, अभी लाई, ये लो ये लो ये लो बिटिया रानी, ये लो। हाँ और दो ना। अरे सारा दे दिया बिटिया, और इससे मेरा क्या होगा? और दो ना। अरे इतनी कंजूसी क्यों कर रही हो? ए माधुरी और देना, और दे। अभी सब दे दिया मैंने बेटी, अब तो अपना नाम बता दे, अब तो सारा भोजन दे दिया। पापा मेरा नाम अन्नपूर्णा है। जय हो अन्नपूर्णा माता की, जय हो जय हो। वाह भाई वाह, वाह भाई हमारे घर में अन्नपूर्णा भी आई है। तूने मुझे बाबा कहा? तूने मुझे फिर से बाबा कहा? अरे पंडित जी मैंने नहीं कहा बाबा, मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। हैं? एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस। इधर आ जा बड़े पानी, इधर आ जा। हे माधुरी मैंने बुलाई थी कन्या, ना तू अपनी ताई की लड़की को भी बुला लाई? सुनो जी, मेरी कोई और मेरी कोई ताई नहीं है। ये लड़की होगी? ओए नहीं पंडित जी, मेरे कोई चाचा भी नहीं है। तो तेरे मम्मा की लड़की होगी? अरे मेरे कोई मामा भी नहीं है। तो फिर तेरे मौसा की लड़की होगी? अरे मेरे कोई मौसा भी नहीं है। तो ऐसा क्या सारा खानदान भर गया? देखो जी, देखो जी, ऐसी बातें करोगे ना तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ बाबा, ऐसे ही लड़ते रहोगे या मुझे कुछ खाने को भी दोगे? ये माधुरी जल्दी से ला, जल्दी से ला कुछ प्लेट में। अरे पंडित जी नहीं है। अरे भोजन लेकर आ, कहाँ से लाऊं? अरे मेरे हिस्से का बचा होगा? नहीं है। तो तेरे हिस्से का होगा? अरे जब तुम्हारे हिस्से का नहीं है तो मेरे हिस्से का कहाँ से होगा? सारा का सारा तूने अन्नपूर्णा खा गई। अरे जरा कुछ देख, बड़ा होगा। ये देखो, ये देखो, ये लो, ये हाय 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 हाय। बेटी तू कौन है, कहां से आई है? हमारे गांव की तो लगती नहीं। बाबा मैं कोई नहीं हूँ, कहीं से भी आई हूँ, मुझे मुझे दो ना। बेटी मैं कह भी नहीं सकता और कहे बिना रह भी नहीं सकता।
मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, गांव में जाता हूँ, कोई गुड़ बांध देता है, कोई चने बांध देता है, आज जो कुछ भी लाया सारा का सारा इन कन्याओं को दे दिया। दिया तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बिटिया मेरी आंखें भी रो रही, मेरा दिल भी रो रहा। पापा इधर आओ पापा, पापा मैं तुम्हारा भोजन करने नहीं आई हूँ। पापा पीछे जो पर्वत है उसके पीछे जो पर्वत है मैं वहां से आई हूँ। बाबा मैं पहाड़ी कन्या हूँ, मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना पंडित श्रीधर हंसाली गांव वाले, मैं तो अपने काम से आई हूँ। बता बेटी क्या काम है? बाबा मैं विशाल भंडारा कराना चाहती हूँ भगवती का दुर्गा का। मैंने सोचा पंडित श्रीधर बड़े निर्मल बड़े पावन हृदय वाले हैं, उनसे ही इस भंडारे का श्री गणेश कराती हूँ। बेटी मैं तो एक गरीब आदमी हूँ बिटिया, सुबह को मिल जाए तो शाम की चिंता, शाम को मिल जाए तो सुबह की चिंता। बेटे मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? पापा तुम तो बस इतना करना, इन गांव वालों को उन गांव वालों को इस क्षेत्र वालों को उस क्षेत्र वालों को सबको बुला कर लाओ कि हमारे यहाँ विशाल भंडारा है। और बेटी यहाँ तो ना हलवाई है, ना खाना है, ना पीना है, ना भोजन है, कुछ नहीं है। मुन्नी जी ये जाओ, अरे इधर को मुँह करो गोरनाथ। मुन्नी जी इसके चक्कर में मत पड़ जाना, इसके चक्कर में। अरे क्या कह रही है, मेरा नाम सुनकर आ रही है? अरे कहाँ भागी जा रही है, मेरा नाम सुनकर आ रही है? Thank you.
के दुनिया भर में नहीं। शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर कहला दुनिया भर में नहीं, के दुनिया भर में नहीं। जिंदगी सफल हो जाएगी। जाग बचा कर गौरव आया।
इसे बताओ, इसे बताओ मेरे 370 चेले हैं, जिधर को निकल जाते हैं भंडारण के भंडारण समाप्त कर देते हैं। तू हमें भोजन कराएगा, तू कराएगा भोजन? अरे इस क्षेत्र का राजा भैरव हमें भोजन करा सकता है। अजी महाराज मैं थोड़े ही करा रहा भोजन, मैं थोड़े ही करा रहा, वो तो एक कन्या आई थी महाराज, कन्या। कन्या? हाँ जी महाराज, पर्वत से उतर कर आई थी। उसने मुझसे कहा पंडित श्रीधर लोगों को बुलाना ना, तो भाई मैं तो गाँव गाँव जाकर सबको बुला रहा हूँ, देखो जरा। हाँ सबको बुलाने गया, मैं थोड़े ही करा रहा भंडारा, मैंने करा रहा भंडारा, वो तो वो कन्या करा रही। क्षेत्र में ऐसी कौन सी कन्या पैदा हो गई जो इतना बड़ा भंडारा करा रही है, इतना विशाल भंडारा करा रही है? गुरुदेव, इस क्षेत्र में ऐसी कोई कन्या नहीं हो सकती। या तो ये पंडित पागल है या बुद्धिहीन है। मुझे क्या जरूरत पड़ी थी कुछ कहने की, मुझे तो लड़की ने कहा और मैं चला आया। गुरुदेव, इस क्षेत्र में अगर कोई कन्या पैदा होती है जब वो विवाह के योग्य होती है तो उसे मेरे शयन कक्ष से होकर गुजरना पड़ता है। तो मैं भी उत्सुक हूँ, उस कन्या को देखना चाहता हूँ जो इतना बड़ा इतना विशाल भंडारा करा रही है। पंडित, कब है भंडारा? महाराज कल वो है भंडारा। पंडित, क्या नाम बताया रे तूने अपना? अजी मेरा नाम पंडित श्रीधर। छत्तर को रखाया गुरुदेव, इसे बता दू, इसे बता दू? बता दे बता दे बता दे। याद रखना पंडित, अगर मेरे गुरु के साथ कोई हादसे हो गया, अगर मेरे गुरु के साथ कोई अपमानजनक बात हो गई तो जानता है, तो जानता है क्या होगा? क्या होगा महाराज, आप ही बता दो क्या होगा? तेरी मुंड में अलग कर दूंगा। अरे महाराज, महाराज अजी महाराज, मैं आपको निमंत्रण देने आया, मैं आपको निमंत्रण देने आया या अपनी मौत को निमंत्रण देने आया? हम तेरे यहाँ पहुँचेंगे ठीक समय पर। क्या नाम बताया अपने गांव का? अजी हंसारी गांव। हंसारी गांव? पंडित भोजन किस समय है? अजी महाराज जब सूर्य मध्यान में आ जाए। तो ठीक है, तो ठीक है, चलिए गुरुदेव, चलिए चलिए आइए। भोले रे भोले, तू तो आगम निगम भेद भोले, भोले रे भोले, तू तो आगम निगम भेद भोले। श्याम झंडर भो रखवाया, श्याम झंडर भो रखवाया, श्याम झंडर भो रखवाया, श्याम झंडर भो रखवाया।
करियो मन रे। अरे कहाँ मर गई बड़ी भटकती आ रही। सारे मटके मटमटी मटकी अगर तुमने सारा काम कर दिया पर वो लड़की नहीं आने की। अरे आवेगी। अरे नहीं आने की। अच्छा ये बता नहीं आने की तो तुम क्या होगा ये बताओ। अगर मैं तुम्हें भोजन देने में थोड़ी देर हो जाती है तो तुम क्या करते हो? जब तुम मुझे भोजन समय पर नहीं देती तो मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं कौन हुई कटोरी उठाकर फेंक देता हूँ। यही तो वो लड़की आने की नहीं तुम सबको भोजन दे नहीं पाने के तुम लोगों को आएगा गुस्सा तो क्या होगा? तुम्हारे सिर पे क्या है? बाल है भाई। और लोगों के पैरों में क्या होता है? जूते चप्पल। जूते चप्पल हो गए। जब तुम भोजन करा नहीं पाने की लोगों को आएगा गुस्सा उनका हाथ अपने आप पैरों की तरफ जाएगा। समझ गया समझ गया। तेरा मतलब लोगों के जूते चप्पल मेरे सर पर खड़े। और तू क्या करेगी? अजी मैं क्या करती? मैं तो कुएं के पीछे से देखूंगी दरवाजे के पीछे से मेरे पटपट की दूध की लाम पकड़ कर कैसे खींची जा रही है। पंडित राम हम आ गए हम गांव वाले आ गए। पंडित राम पंडित जी नमस्कार। क्या देखिए अभी तो सूर्य भी मध्याह्न में नहीं आया और लोग आ गए। अजी सूर्य तो मध्याह्न में आ गया पर वो लड़की नहीं आई। ये जरा खिड़की खोल के तो देख। खिड़की खोल के तो देख। ठीक है ये लो ये सबको
बिठाएगी, सबको बिठाएगी, सबको बिठाएगी। मैं तो महाराज यहाँ मेरे विराज गए गुरु गोरखनाथ जी, आगे कहा इधर आ जाओ, और भाई भैरवनाथ जी आप भी बैठिए इधर आ जाओ। हाँ अपने चेलों को बिठा लो। बाबा इन्हें उचित पात्र दो। अरे अभी देता हूँ बेटी। हाँ 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 ये लो ये ये लो पहुंच पहुंच के ये लो ये अजय गुस्सा के हो रहे ये लो ये भी चंपा है रूपा ये लो तो चुपक गई था ये लो ये 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 अजय गुस्सा क्यों आ रहे महाराज आप तो हंस हंस के गुस्सा हो रहे हैं आज क्या बात है हंस हंस के हमें क्रोध भी आता है और हंसी भी आती है लीजिए महाराज आएंगे देंगे और वही मुच्छो वाले साधु नकली मुच्छो वाले साधु तू भी ले ये तो नकली मुच्छी हो रखा कोई ये तो बड़ी और भाई ये कहाँ से आया तो जाना पहचाना था यही का लग रहा बड़ी 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 आंखें भाई ये तो महाराज आप ये ये राशन सुनता भाई तू भी ले लो आहा ये लीजिए ये लीजिए ये तो गुरुदेव इस कन्या ने झोपड़ी कितनी लंबी चौड़ी कर दी गुरुदेव इसकी परीक्षा लेनी चाहिए लीजिए सब सात्विक भोजन प्यारा भोजन प्यारा भोजन प्यारा मुक्ति को देखा गुरुदेव ये कन्या एक ही पात्र से भोजन सबको भोजन देती चली आ रही है उसके पात्र से भोजन खत्म नहीं हो रहा अगर आप कहें तो इसकी परीक्षा ले लूं जाओ अचंदर को रखाया परीक्षा लो इसकी गुरुदेव मैं भोजन के व्यवधान डालूंगा आप आश्रम को चले फिर मैंने देखा इस कन्या ने देखा कोई भोजन नहीं करेगा हमारी साधुओं की बात कोई जमात हमारी भोजन नहीं बाबा ये देखिए ये काला पीला आगे आगे भोजन कर रहा है ओ काले पीले चला जा चला जा यहाँ से चला जा छत्तर को रखाया मैं को रखना छठा आगे को आकर बोलता हूँ हे कन्या हे पंडित हमारे छत्तंगेजी शिष्य ने हमारे भोजन में व्यवधान डाल दिया अब हम भोजन नहीं करेंगे आज हम अवकाश लेंगे मेरा परम शिष्य भैरव इस क्षेत्र का राजा तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेगा देखिए बाबा भोजन का परित्याग करना ये उचित नहीं है अन्नपूर्णा का अपमान होता है को हम जानते हैं इस बात को मगर भोजन में अंतराय आ जाता है तो हम भोजन नहीं करते हमारा परम शिष्य भैरव तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेगा चलो शिष्यों चलो जाओ लीजिए शुद्ध सात्विक भोजन कीजिए विराज जी शुद्ध सात्विक भोजन कीजिए कन्या हम साधु है अजमेरे हमें खास बात के कनिक नहीं है जमेरे हम अपने गुरु के आदेश अनुसार तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे पर ये भोजन स्वीकार नहीं करेंगे क्यों इस भोजन में क्या कमी है क्यों नहीं करेंगे हमें चाहिए शाम इस भोजन और पीने के लिए अंगूरी मदिरा
ये दोगी तो हम भोजन स्वीकार करेंगे। चाहिए आपको, आप इतनी बड़ी इतनी पहुंची हुई गुरु के गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य और आप इस प्रकार की बात 116 साल की कन्या के साथ कर रहे हैं, आपको आपको शर्म आनी चाहिए। सुबह चला दिया अब हमारी सुधाई कि तू अपने हाथों से अंगूरी मदिरा हमारे अधरों तक लाएगी। हमारे अधरों तूने इस शिशु की ललनाओं का जीना तू भर कर रखा है। मेरा नाम बरार नाम बरार इस शहर का राजा इस शहर का राजा इस शहर का राजा चिता में से खोपड़ी निकाल कर उसमें खीर पका के खाता हूँ। अब जिद है तेरा हाथ पकड़ कर अपने शहर कक्ष में ले जाऊंगा, अपनी भार्या बनाऊंगा। मर गए मारने वाले मारने मुझे तो मालूम नहीं, मुझे ब्रह्मा का वरदान मिला है, ना मैं अंदर मर सकता ना बाहर ना ऊपर मर सकता ना नीचे, तू क्या मारेगी। आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। आगे मत बढ़ना आगे मत बढ़ना वरना ब्रह्मा के वरदान को सके तो बच ये ले ये ले ये ले से कोई नहीं बचा है, कोई नहीं बचा है, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ धरती से अंबर तक धरती से अंबर तक अंबर से धरती तक धरती से अंबर तक धरती से अंबर तक अंबर से धरती तक ढूंढ ढूंढ लाऊंगा ढूंढ ढूंढ लाऊंगा अपनी मेरा लाऊंगा सुखेगी कहाँ सुखेगी कहाँ सुखेगी कहाँ सुखेगी कहाँ पर्वत पे जाऊंगा तालू पे जाऊंगा पर्वत पे जाऊंगा तालू पे जाऊंगा तेरा पता लगाऊंगा तुझे मैं बताऊंगा तेरा पता लगाऊंगा तुझे मैं बताऊंगा बताऊंगा तुझे न पा सका तुझे न कहलाऊंगा।
Thank you.